चलिए दोस्तों, आज लेकर आई हूँ आपके लिए BSNL पेंटा एक टैब, जो कि इस तरह का मैसेज आ रहा है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है वो मैं आज दिखाऊंगा। तो आपके पास एंड्रॉयड किसी तरह का डिवाइस हो, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किया कर सकते हैं, वो भी आपके घर में बैठ के। तो आपके पास होना चाहिए एक कंप्यूटर, और आपके पास कंप्यूटर नहीं हो तो एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन। तो देख सकते हैं इस तरह से आप इसका जो डेटा केबल है वो आप USB 2.0 में इनपुट कर दीजिए, और उसके बाद ये टैब को रीस्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल हो तो इसका बैटरी को अलग कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया है, ब्राउज़र को ओपन किया है। उसके बाद ये जो टैब का जो मॉडल नंबर है, आपके केस में आपके जो भी मॉडल नंबर है फ़ोन के, वो आप लिख सकते हैं गूगल के ऊपर, सिंपली आप सर्च कीजिए। तो मेरा केस में जो है BSNL पेंटा W7704Q, उसके बाद आप स्पेस दे के लिखिए फर्मवेयर। तो देख सकते हैं ये स्टॉक रूम है, ये गूगल के तरफ से फ्री में देता है गूगल। तो देख सकते हैं मैंने फर्मवेयर लिख दिया है। उसके बाद आप जो पहला वाला लिंक है वो उसे क्लिक कीजिए, देख सकते हैं firmware.com। तो यह है गूगल का वेरीफाई वाला पेज है। तो ये आप देख लेना है कोने में जो HTTPS जो है वो गूगल का ओरिजिनल वेबसाइट है, और इसके तरह सिंबल होना ज़रूरी है। तो मेरे केस में जो है BSNL पेंटा के दो वेरिएंट यहाँ पर है, एक का जो साइज है 536 MB का, दूसरे का जो साइज है वो है 627 MB का। तो मैं डाउनलोड करूँगा ये लेटेस्ट वाला 536 MB का, ये थोड़ी पुराना है, 627 थोड़ी पुराना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है, उसे बस सिंपली आप क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करता हूँ, ये क्लिक कर दिया। उसके बाद दूसरा विंडो ओपन होगा, आप डाउनलोड कर दिया है तो दूसरा विंडो ओपन हो गया। तो यहाँ पे देख सकता है प्रिपेयरिंग डाउनलोड, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा डाउनलोड 536 0.2 MB। तो आपके पास डाउनलोड मैनेजर हो तो अच्छा हो, तो डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। मेरे पास तो डाउनलोड मैनेजर है तो डाउनलोड हो रहा है। तो ये देख सकते हैं ये जीप फाइल में डाउनलोड होगा, तो डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। तो 536 0.15 MB का ये आपके इंटरनेट स्पीड कितना है उसके ही पर डिपेंड करेगा कितने टाइम लेगा। तो मैंने तो पॉज कर दिया है, मेरा जो स्पीड है 1 MBPS के आसपास है, 1 MBPS+ भी आप बोल सकते हैं। तो ये डाउनलोड हो गया है, बस वेरीफाई होगा। तो चलिए वेरीफाई भी हो गया है, तो लो वेरीफाई हो गया है। तो सिंपली आप ओपन फोल्डर कीजिए, उसके बाद ये जिप फाइल में जो आया है डाउनलोड करके वो मैं डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। तो डेस्कटॉप पे वो फाइल आ गया है, उसके बाद आप एक्सट्रैक्ट कीजिए। आपके पास विंडोज जो सॉफ्टवेयर है वो होना ज़रूरी है। एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कीजिए, मैंने एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कीजिए, और मैं डेस्कटॉप पर भी रखूँगा। तो ठीक है। तो आप देख सकते हैं BSNL पेंटा नाम के वो दूसरा फाइल ओपन हो गया है वो कोने में, दिस PC शॉर्टकट उसके पास। तो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, मैंने विंडोज का जो डाउनलोड लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया है, 92% हुआ है, 97, 98, 99, 100 ये हो गया है। मैंने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं जो हुआ है एक्सट्रैक्ट करने के बाद हुआ है। तो सिंपली इसे क्लिक कीजिए, अब ड्राइवर में जाइए, और एंड्रॉयड CDC जो ड्राइवर है उसके बाद लास्ट में देखा हो एक फाइल है MTK, जो USB SP USB 2
एसीआर जो फाइल है उसे इंस्टॉल करना है। तो ये इंस्टॉल सीधा वहाँ से नहीं होगा, तो कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो मैं दिखाऊंगा। उसके बाद आप सीधा आप डिवाइस मैनेजर पे जाइए। मेरे केस में मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर में वो है विंडोज 10। तो देख सकते हैं मैंने डिवाइस मैनेजर पे गया हूँ। उसके बाद ये ऐड हार्डवेयर पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और इंस्टॉल कीजिए, नेक्स्ट हैव ए डिक्स, उसके बाद ओके। तो जो फाइल मैंने रखा है वो डेस्कटॉप पर है, तो यहाँ से डेस्कटॉप पे वो BSNL पेंटा जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद हुआ है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एंड्रॉयड CDC ड्राइवर उसे क्लिक कीजिए। उसके बाद MTK SP USB 2.0 उसके सिलेक्ट कीजिए, ये ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये इंस्टॉल हो रहा है। तो इस तरह का इंस्टॉल किया जाता है वो USB ड्राइवर। तो देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद वो फिर से VSNL पेंटा का वो SP फ्लैश टूल्स वर्शन 5 उसे ओपन कीजिए। वो फ्लैश टूल नाम के जो एक आइकॉन दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद वो पेज ओपन होगा। तो देख सकते हैं ये ओके कर दीजिए, ये ओपन हो गया है। उसके बाद सेक्रेट लोडिंग इसे क्लिक कीजिए, दूसरा डाउनलोड एजेंट के नीचे है सेक्रेट लोडिंग, उससे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फिर से वही डेस्कटॉप पे रखा हुआ है जो BSNL पेंटा जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है उसे क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए। उसके बाद फॉर्म बार पे क्लिक कीजिए ड्राइवर का जो नीचे है। उसके बाद MT6582 एंड्रॉयड सेक्रेट फाइल उसे सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। बस ये आपने आप जो जो लेना है वो ले लेगा, ठीक है। तो उसके बाद आप USB केबल से आपके सिस्टम के अंदर वो अटैच कर दीजिए। उसके बाद डाउनलोड की प्रेस कीजिए, वो एरो वाला जो नीचे है उसे प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लाल वाला जो रेड वाला जो एक पॉइंट है वो आ गया है। उसके बाद पीला वाला ये फ्लैश होना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये फ्लैश होगा आपका कंप्यूटर पे कितने स्पीड है, आपके पास कौन सा प्रोसेसर है, क्या रैम है, उसके पास उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से ये वीडियो मैंने पॉज नहीं किया है। तो ये डाउनलोड फ्लैश हो हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूले। और इस वीडियो के बारे में जो भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में आप जाकर पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो ठीक है, ये आप डाउनलोड फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसका जो चिप नंबर है वो है MT6582, आप देख सकते हैं। ये MediaTek का चिप है। इसके अंदर जो फर्मवेयर है वो है, यानी एंड्रॉयड वर्शन है वो है Android 4.2.2। ये देख सकते हैं डाउनलोड ओके हो गया है। उसके बाद अब मैंने वो टैब को पावर बटन ऑन करता हूँ, ये ऑन हो गया है। तो ये फ्लैश करने के बाद जो फर्स्ट टाइम बूट होगा वो थोड़ी टाइम लेगा। तो देख सकते हैं पेंटा लिखा हुआ है फास्ट बूट में। तो इसके अंदर कौन सी एंड्रॉयड वर्शन हुआ है वो मैं दिखाऊंगा। तो चलिए, उस तरह का मैसेज नहीं आ रहा है, या ये पूरा का पूरा फ्लैश हो चुका है, पुराना जो भी डेटा है वो फॉर्मेट हो गया है। तो ये एंड्रॉयड वर्शन 4.4.2 ये हुआ है। तो ये किटकैट वर्शन है, तो आप देख सकते हैं इसे 3 बार क्लिक कीजिए, वो देख सकते हैं क्लिक के लिखा आ रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए।